है। और फिलहाल यहाँ पे पता क्या हो रहा है कि ऊपर पीछे जंगल है इधर की साइड, वहाँ से बाघ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आइए मैं आपको भी सुना। सो गाइस आप देख सकते हैं ऊपर एक जगह, मैं दिखाता हूँ आपको भी। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आइए स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग की। उससे पहले मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे आज मस्त मौसम है एकदम, मेरे पीछे पूरा कोरा कोरा लगा हुआ है। और साथ ही साथ इस वक्त हम सुबह सुबह जा रहे हैं खेत, क्योंकि पहाड़ों में आजकल लगातार एकदम काम लगा हुआ है और धान की कटाई हो रही है आजकल और उसकी मंडाई हो रही है। तो अभी हमारा बहुत काम बचा हुआ है, तो चलते हैं सुबह सुबह और धान की कटाई करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधा खेत पे। तो गाइस खेत में जाने से पहले हमेशा ये होता है कि हम जो अपनी दरांती होती है उसे पैना करते हैं और कुछ इस तरीके से करते हैं पत्थरों पे। सो गाइस आप देख सकते हैं दरांती को कुछ इस तरीके से साफ पहले रगड़ते हैं और इसकी जो धार होती है वो निकालनी पड़ती है जिससे कटाई आसान हो जाए हमारी। तो चलते हैं खेत में। सो गाइस इस वक्त हम लोग जा रहे थे खेत और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी अपना 250 या 350 साल पुराना घर। तो एक दो ये लीजिए, तो ये है हमारा पुराना घर और आपको मैं अभी इसको और अच्छे से दिखाऊंगा। पहले खेत का काम निपटाते हैं फिर यहाँ की वीडियो बनाऊँगा। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने खेत पे पहुंच चुके हैं और आपको दिखाता हूं मैं आपको अपना खेत। तो ये हमारा खेत और इसी खेत की कटिंग हमने अभी करनी है और इसके बाद शायद एक दूसरा खेत भी है, तो करते हैं। और आप देख सकते हैं और लोग भी आ चुके हैं खेतों में सुबह सुबह। सो गाइस हम लोगों ने भी शुरू कर दिया है काटना और दीदी ऊपर काट रही है और मम्मी इधर और मैं भी काटता हूँ। सो गाइस काम करते करते अचानक से बारिश हो चुकी है और फटाफट से अब ये सब इकट्ठा करते हैं और फिर घर जाते हैं। सो गाइस अभी हमने एक खेत लगा दिया है और अब हम जा रहे हैं अभी दूसरे खेत पे, तो उसे भी लगाते हैं फिर सीधा छुट्टी करेंगे और घर जाएंगे। गाइस आप इस खेत में देख सकते हैं कितना सारा झंगोरा इन लोगों ने उगा रखा है मतलब। और पहले के टाइम पे तो झंगोरा हर कोई खाता था मतलब पुराने बुजुर्ग पर, लेकिन अब कोई झंगोरा नहीं खाता उतने मतलब, उत्तराखंड में बहुत कम लोग खाते हैं झंगोरा। और अब तो बस इसे जानवरों को दिया जाता है, पशुओं को दे देते हैं, गाय भैंस को पिंडे के रूप में। सो गाइस अभी हम अपने खेत में जा रहे थे और हमें मिली है मूंगफली और आप देख सकते हैं यहाँ पे खोद रहे हैं इस वक्त मूंगफली। यहाँ पे ढेर सारी मूंगफली के पौधे लगे हुए हैं अभी, तो निकालते हैं। सो गाइस अभी हमने इतनी सारी मूंगफली खोद के निकाली है और यहाँ से, तो जब भी हम खेत में आते हैं मतलब, तो हम बचपन में भी यही करते थे और अब भी हम यही करते हैं। बहुत सारी मूंगफली बन चुकी है और करते हैं काम। सो गाइस अभी हैं हम दूसरे खेत में और अभी हम लगा रहे हैं ये वाला खेत और ये लगभग हो चुका है। और फिलहाल यहाँ पे पता क्या हो रहा है कि ऊपर पीछे जंगल है इधर की साइड, वहाँ से बाघ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आइए मैं आपको भी सुनाता हूँ, मुझे तो लग ही रहा है बाघ ही होगा। तो यहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी अभी, तो मुझे लग रहा है इसी, यहाँ पे एक गदेरा भी है पास में, तो मुझे लग रहा है वहाँ से वो आवाज़ें आ रही हैं। और इसी यही सोचते हुए हम लोग अब फटाफट काम कर रहे हैं। मम्मी कह रही है जल्दी जल्दी यहाँ से घर चलो, क्योंकि सही में इधर पे बहुत सारे बाघ रहते हैं और यहाँ से इससे पहले अभी आवाज़ आई इधर पे। सो गाइस आप सुन रहे होंगे आवाज़ें।
सो गाइस आप देख सकते हैं ऊपर एक जगह, मैं दिखाता हूँ आपको अभी, आई होप ये अच्छे से जो, तो इधर पे कहीं आवाज़ें आ रही हैं इस वक्त, यहाँ पे इधर पे। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक डॉगी है मतलब, और पापा उसे और ट्रेन कर रहे हैं, तो रात का उसका टेस्ट ले रहे हैं कि ये भौंकेगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं शेरू आ जाओ ऊपर, शेरू ऊपर आ जा। आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।